अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CS 610 के जो फाइनल टर्म का लेक्चर नंबर 24 है, आज हम उसे रीड करेंगे। तो हम रीड कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स और प्रिपरेशन कर रहे हैं फाइनल टर्म की। आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं अगर बता दूँ, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट और क्विज़ फ्री में सॉल्व करवाने हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फ्री में सॉल्व कर दूंगा। आपने चैनल को मस्टली सब्सक्राइब करना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 24, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस। तो एड्रेसेस फॉर द वर्चुअल इंटरनेट, वर्चुअल इंटरनेट, वर्चुअल हमारी यूनिवर्सिटी का भी नेम है तो आपको पता होगा कि वर्चुअल क्या चीज़ होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एड्रेसिंग इन इंटरनेट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट एड्रेसिंग स्कीम डेट असाइन ईच होस्ट अ यूनिक प्रोटोकॉल एड्रेस। अब यहाँ पे आना, अब किसी भी इंटरनेट को अगर आप एक मजबूत एड्रेसिंग सिस्टम देना चाहते हैं, यानी कि उसको परमानेंटली ये पता करवाना चाहते हैं कि ये एक यूनिक इंटरनेट है, तो उसके लिए आप जो एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं जो कि उसको एक यूनिक प्रोटोकॉल एड्रेस देता है। फॉर एग्जांपल आप कर लें, जिस तरीके से एक इंटरनेट है ना, वो बहुत से इंटरनेट्स को मैनेज कर रहा है, तो हमने उस इंटरनेट को शो करवाना है। जिस तरीके से आपका एक क्लास का CRC होता है ना, इसी तरीके से ये एक वर्चुअल इंटरनेट की आप एग्जांपल ले लें कि यानी कि एक ओनर ऑफ इंटरनेट होता है जिसने जो है ना एड्रेसिंग स्कीम को असाइन करना होता है, और ये एक यूनिक प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। बस आपने एक CRC की एग्जांपल अपने जहन में बता लें कि ये एक इंटरनेट का एक थोड़ा ओनर होता है जिसने तमाम को होस्ट करना होता है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिक प्रोटोकॉल एड्रेस। अब यहाँ पर है कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि यूज़र्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड हायर लेयर्स ऑफ प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर यूज़ एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर एड्रेसिंग टू कम्युनिकेट। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर को कौन यूज़ करता है, तो किस चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो आपने बताना है कि यूज़र्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और हाई लेवल ऑफ प्रोटोकॉल्स, यानी कि जो यूज़र्स हैं, यूज़र्स को आपको पता है हम सब यूज़र्स होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हम इंटरनेट पे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं, आप किसी की एग्जांपल ले सकते हैं, मैक्स प्लेयर फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोग्राम हो सकता है। और हाई लेयर्स ऑफ प्रोटोकॉल, जो हाई लेयर प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सब जो है ना एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल एड्रेस को, सॉफ्टवेयर एड्रेसिंग को यूज़ करते हैं आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास द IP एड्रेसिंग स्कीम। हमने IP एड्रेसिंग स्कीम याद करनी है। IP एड्रेस का तो आपको पता होगा, आपको पता है कि जिस तरीके से अब हम यहाँ पे बैठ के इंटरनेट चला रहे हैं ना, तो हमारा एक यूनिक IP एड्रेस होता है जिसके साथ हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। ये अब मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ ना, तो अभी मैंने इसे डाटा के साथ कम्युनिकेट किया हुआ है, तो मेरे पास एक यूनिक इंटरनेट है। अगर मैं इस इंटरनेट को बंद करके दूसरे मोबाइल पर इंटरनेट चलाऊँगा तो वो IP एड्रेस मुझे मिल जाएगा उस इंटरनेट का, तो वो एक यूनिक होगा। इसी तरीके से ये सॉफ्टवेयर है कि यूनिक प्रोटोकॉल एड्रेस जो है ना हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है द IP एड्रेसिंग स्कीम एंड इंटरनेट एड्रेस IP एड्रेस। तो नेक्स्ट है हमारे पास द IP एड्रेसिंग स्कीम एंड इंटरनेट एड्रेस। IP एड्रेस इज़ अ यूनिक 32-bit बाइनरी नंबर। तो आपके पास ये एग्जांपल आ जाता है कि IP एड्रेस जो है ना वो कितने बिट का होता है। आपके पास ये MCQs भी आता है और शार्ट क्वेश्चन भी आता है, तो आपने बताना है कि जो इंटरनेट एड्रेस होता है ना, यानी कि जो IP एड्रेस होता है, इंटरनेट का IP एड्रेस होता है, तो ये 32-bit बाइनरी नंबर्स का होता है और ये यूनिक होता है। इसके बाद है ईच पैकेट सेंट अक्रॉस एन इंटरनेट कंटेन्स द 32-bit IP एड्रेस ऑफ द सेंडर एज वेल एज द इंटेंड रेसिपिएंट डेस्टिनेशन। तो हमारे पास जो इंटरनेट पे होता है ना, जिस तरीके से आपने डाटा ट्रांसफर्स डाटा कम्युनिकेशन का पढ़ा है ना, CS 601 में भी हमने पढ़ा है, तो उसी तरीके से जिस तरह हम डाटा सेंड करते हैं, इस तरीके से हम जब सेंड करते हैं ना IP एड्रेस को, तो ये 32-bit की सूरत में आप पैकेट्स या किस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि 32-bit डाटा हम एक टाइम में ट्रांसफ़र करते हैं, जो सोर्स हमारा जो है वो ट्रांसफ़र करता है, और दूसरी तरफ से उसी 32-bit डाटा को जो है ना रिसीव करता है हमारा जो रेसिपिएंट होता है, हमारी जो डेस्टिनेशन होती है, सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स जो सेंड करता है, डेस्टिनेशन जो रिसीव करती है, तो इस चीज़ को 32-bit डाटा होता है हमारा, आपने इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास द IP एड्रेस हायरार्की। IP एड्रेस हायरार्की क्या चीज़ होती है। हायरार्की मींस होता है कि आपको जो इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ें हैं ना, आप उसको टॉप पे कर लें, जो आपकी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको जो एमी की चीज़ें हैं उसको आप नीचे कर लें, या आप उसको स्पेसिफिक जगह पे रख लें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और दूसरी चीज़ों को आप दूसरी जगह पे रख लें, यानी कि एक तरतीब देने को हम कहते हैं हायरार्की की।
तो एज 32-bit IP address is divided into two parts. IP address 32-bit IP address जो होता है ना वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है. पहला तो है प्रीफिक्स और दूसरा है हमारे पास सफिक्स. अब प्रीफिक्स क्या चीज़ है? इट आइडेंटिफाइज़ द फिजिकल नेटवर्क टू विच द कंप्यूटर्स आर अटैच्ड. ये जो है ना हमारे फिजिकल नेटवर्क होता है जो हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होता है. फिजिकल मीन कौन सा? जिस तरीके से हमने एक हैंड फ्री लगाई हुई है उसके बाद हम डिवाइस के ज़रिए अपना इंटरनेट को यूज़ करते हैं, यानी कि जो चीज़ फिजिकल जिसको हम हाथ लगा सकते हैं वो जब कंप्यूटर के साथ अटैच होती है तो उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सफिक्स. इट आइडेंटिफाइज एन इंडिविजुअल कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट. जो सफिक्स होता है ना वो हमारा जो है इंडिविजुअल कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट पर कनेक्ट होता है. इट आइडेंटिफाइज एन इंडिविजुअल यानी कि जो सेपरेटली कंप्यूटर नेटवर्क है ना उसको हम सफिक. आपने एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि द फिजिकल नेटवर्क इन एन इंटरनेट इज़ असाइंड अ यूनिक वैल्यू नोन एज नेटवर्क नंबर. यहाँ पे जो हमारा फिजिकल नेटवर्क होता है ना उसको भी एक यूनिक वैल्यू असाइन की जाती है. फॉर एग्जांपल आपने एक माउस को या कीबोर्ड को आपने जो है ना कंप्यूटर के साथ अटैच किया तो यहाँ पर आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है ना कि आपकी ये डिवाइस जो है ना ये आपकी कनेक्ट हो गई है. तो ये एक यूनिक आपका यूनिक वैल्यू होती है जो कि आपकी वर्ल्ड वाइड होती है. आपको यहाँ पर वो मैसेज देती है यानी कि वो आपकी यूनिक वैल्यू होती है. इसी चीज़ को हम कहते हैं नेटवर्क नंबर. आपके पास नेटवर्क नंबर की डेफिनेशन आ सकती है तो आपने बताना है कि द फिजिकल नेटवर्क इन एन इंटरनेट इज असाइन अ यूनिक वैल्यू. तो उसे एक यूनिक वैल्यू दी जाती है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क नंबर. नेक्स्ट हमारे पास नो नंबर टू नेटवर्क्स कैन बी साइन द सेम नेटवर्क नंबर. अब हम दो नेटवर्क्स को भी ना एक सेम वैल्यू साइन कर सकते हैं. जो हमारे सफिक्स की वैल्यू होती है ना वो हम एक से ज़्यादा नेटवर्क पर भी यूज़ करते हैं. सफिक्स की वैल्यू हम एक से ज़्यादा नेटवर्क को भी यूनिक एड्रेस देने के लिए यूज़ कर लेते हैं. तो ये सिर्फ सफिक्स में होता है, प्रीफिक्स में नहीं होता है. और सफिक्स जो होती है ये लोकली होती है. आपने इस चीज़ को याद करना है. इसके बाद हमारे पास आई पी एड्रेस हायरार्की की गारंटीज टू इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स. जो हमारी आई पी एड्रेस हायरार्की है ना वो टू प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है. फर्स्ट है हमारे पास ईच कंप्यूटर इज असाइन अ यूनिक एड्रेस. हर कंप्यूटर को एक जो है ना यूनिक एड्रेस असाइन किया जाता है. ये बात हम जो पढ़ रहे हैं बार बार पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ है कि हर कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक एक यूनिक एड्रेस जो है ना वो असाइन कर दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं इस कंप्यूटर में इंटरनेट चला रहा हूँ तो इस कंप्यूटर का अपना एक यूनिक एड्रेस होगा और अगर हम किसी दूसरे कंप्यूटर पर जाके चलाएंगे तो उसका एक अपना यूनिक एड्रेस होगा. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं दूसरा टॉपिक. ऑल्सो नेटवर्क नंबर असाइनमेंट मस्ट बी कॉर्डिनली ग्लोबली सो फिक्स कैन बी असाइन लोकली. तो जो हमारी होती है ना ग्लोबली होते हैं हमारा जो प्रीफिक्स का सिस्टम होता है. जो हमारा सफिक्स होता है ना मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो सफिक्स की वैल्यू होती है वो आपकी लोकल होती है. तो आपने इस चीज़ को एक पढ़ लेना है. उसके बाद हमारे पास आ जाती है ओरिजिनल क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस. ओरिजिनल क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस क्या चीज़ होती हैं? द ओरिजिनल आईपी एड्रेस स्कीम डिवाइडेड होस्ट एड्रेसेस इनटू थ्री प्राइमरी क्लासेस. आपके पास ये इंपॉर्टेंट भी आता है कि आपकी आईपी एड्रेस स्कीम जो है वो कितने होस्ट एड्रेसेस में डिवाइड होती है. तो वो थ्री प्राइमरी क्लासेस में जो है ना वो डिवाइड होती है. आपने इसको एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसे याद रखना है कि थ्री प्राइमरी क्लासेस के तौर पे यूज़ होती है. उसके बाद है द क्लास ऑफ एन एड्रेस डिटरमाइन द बाउंड्री बिटवीन द नेटवर्क प्रीफिक्स एंड सफिक्स. तो जो एड्रेस की क्लास होती है ना वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? वो बाउंड्री डिटरमाइन द जो बाउंड्री होती है हमारे नेटवर्क प्रीफिक्स और सफिक्स के इर्द गिर्द या दरमियान में जो बाउंड्री होती है उस चीज़ को डिटरमाइन यानी कि उस चीज़ को जानने के लिए हमारी एड्रेस क्लास जो है वो यूज़ होती है. द ओरिजिनल क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस आर शोन. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्लासेस जो है ना वो बताई गई हैं. क्लास वन, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई. तो ये हमारी क्लासेस हमें बताई गई हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ज़ीरो प्रीफिक्स और सफिक्स यूज़ होता है. ये हमारी वैल्यूज़ हैं जो हम सेंड करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम उस टाइम डिटरमाइन करते हैं. सेकंड पे हमारे पास क्लास डी होती है जिसमें टू बिट डाटा यानी कि टू डाटा यूज़ होते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स. फिर हमारे पास इस तरीके से थ्री आ जाता है डाटा तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स उस तरीके से आएंगे. उसके बाद जब हमारे पास क्लास डी आता है तो फिर मल्टी एड्रेसिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है. तो ये हमारे पास फोर्थ का डाटा होता है और क्लास ई भी में भी हमारे पास फोर्थ का डाटा होता है. इसमें 1111 होता है और रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़ यानी कि इसको हम फ्यूचर में यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो ये था हमारा ओरिजिनल क्लास ऑफ आईपी एड्रेसेस.
यहाँ पर इसके नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा होता है टॉपिक जो है कंप्लीट होता है हमारा। यहाँ पर लेक्चर 24 कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट कोई फ्री में चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर।